तो यार स्वागत है आपका काफी टाइम बाद एक और नई वीडियो में। तो यार देखो, ये वाला टॉपिक मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। पता नहीं मार्वल ने अचानक से आरडीजे को हमारे सामने डॉक्टर डूम बनाकर रख दिया। तो चलिए पहले बात करते हैं कि ये डॉक्टर डूम होगा कौन, या आयरन मैन का ही एक वेरिएंट होगा या फिर अल्टीमेट टाइमलाइन का एक डॉक्टर डूम होगा। तो देखो यार, मुझे जहां तक पता है ऐसा कॉमिक्स में कभी भी नहीं हुआ कि आयरन मैन का ही कोई वेरिएंट आगे डॉक्टर डूम बन गया हो। लेकिन हां, एक बार ऐसा जरूर हुआ था कि आयरन मैन और डॉक्टर डूम दोनों दोस्त थे एक टाइमलाइन में। चलिए बात कर लेते पहले उसके बारे में। तो देखो, एक बार होता ऐसा है कि दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, इनफैक्ट दोनों एक ही रूम शेयर कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर टोनी अपने वही ऐश कर रहा होता है और विक्टर टाइमली काफी ज्यादा फोकस्ड होता है अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे होते नहीं और वो अपनी जिंदगी स्कॉलरशिप पे ही काट रहा होता है। तो फिर उसे अचानक एक दिन पता चलता है कि उसकी उधार वाली जिंदगी अब खत्म होने वाली है। तो इसीलिए वो एक दिन टोनी की मदद लेने के बारे में सोचता है। तो वो टोनी के पास आकर बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक ऐसी मशीन बनाने के लिए जो हमें साइकिक पावर दे सके। लेकिन टोनी स्टार्क इतनी आसानी से मानता नहीं है, लेकिन विक्टर उसे काफी ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करता है। तो आखिरकार टोनी स्टार्क मान ही जाता है और फिर दोनों मिलकर मशीन बना ही लेते हैं, जिससे कि टोनी टेस्ट करने भी जाता है और विक्टर उसे रोकता है कि तुम देख लो पहले, इसमें ज्यादा कुछ खतरा ना हो। तो टोनी स्टार्क बोलता है कि मुझे मेरी दिमाग पर पूरा भरोसा है, और विक्टर बोलता है कि ठीक है जैसा तुम कहो। और तभी टोनी स्टार्क के हाथों में हथकड़ियां लग जाती है। फिर विक्टर बोलता है कि ये कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं है जो तुम्हें पावर देगी, बल्कि ये लोगों का दिमाग एक्सचेंज कर देती है। और ये सब कहकर खुद भी एक पास वाली टेबल पर बैठ जाता है। तो बेसिकली उसका प्लान ये था कि वो खुद का दिमाग टोनी के इसमें और टोनी का दिमाग खुद के शरीर में डाल दे, ताकि वो टोनी स्टार्क की जिंदगी जी सके और टोनी स्टार्क उसकी। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि टोनी स्टार्क की बॉडी में विक्टम को तो सब कुछ याद रहता है, लेकिन विक्टम की बॉडी में टोनी स्टार्क को कुछ भी याद नहीं रहता, उसके साथ क्या हुआ था वगैरह वगैरह। और फिर थोड़े ही टाइम बाद दोनों फुल सक्सेसफुल हो जाते हैं और फिर दोनों आमने सामने आपस में अपने अपने सूट लेकर आते हैं। लेकिन उसमें जीत जाता है डॉक्टर डूम, जो कि हालांकि दिमाग से तो आयरन मैन ही था, मतलब टोनी स्टार्क ही था। और फिर वो बनता है पहला आयरन मैन जो कि डॉक्टर डूम है। तो देखो, ये तो थी एक पॉसिबिलिटी जबकि आयरन मैन और डॉक्टर डूम दोनों आमने सामने आए थे। तो अब बात करते हैं वर्स्ट विलन एवर के बारे में। तो देखो, डॉक्टर डूम एमसीयू का वर्स्ट विलन है। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि एक विलन की डेफिनेशन ये होती है कि वो एक बुरा इंसान है, मतलब उसे अच्छाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है या अच्छाई करने वाले सुपर हीरो। कुल मिलाकर एक ऐसा आदमी होता है विलन, जिसके पास पावर तो बहुत होती है लेकिन वो सुपर हीरो नहीं होता है, वो सुपर विलन टाइप होता है। तो देखो, विलन की डेफिनेशन कुल मिलाकर ये, वो एक बुरा आदमी होता है जिसके पास सुपर हीरो से भी ज्यादा पावर होती है, लेकिन वो कभी भी अपनी पावर का अच्छाई के लिए इस्तेमाल ही नहीं करता है। और ये तो ठहरा डॉक्टर डूम, जिसने कभी भी कोई भी अच्छा काम ही नहीं किया है। लेकिन एमसीयू में डॉक्टर डूम का कैरेक्टर प्ले करने जा रहे हैं आरडीजे, हमारे टोनी स्टार्क। तो यार तुम लोग बताओ, मतलब जिस बंदे को हम लोग 2008 से फेवरेट सुपर हीरो के रोल में देख रहे हैं, उसे हम कैसे विलन देखें। इनफैक्ट जिस आदमी ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया अर्थ 161 को बचाने के लिए, इसे विलन बोलना सूट ही नहीं करता है। और अब मूवी में ऐसा होगा कि लोग हीरो से ज्यादा विलन की एंट्री पर सीटी मारेंगे और विलन को सपोर्ट भी करेंगे। और वैसे भी मार्वल की तो आदत ही है विलन को जस्टिफाई करना, जैसे कि लोकी, जिसे हमने 2012 की फर्स्ट एवेंजर में बिल्कुल विलन के रोल में देखा था। वो उस टाइम पे मोस्ट हेटेड कैरेक्टर था, लेकिन अब वो मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है एमसीयू के सभी फैंस का। और दूसरा है थैनोस, जिसकी वजह से आयरन मैन मर भी गया है और मार्वल ने उसकी भी इमेज चेंज कर दी है। अब ऐसा लगता है कि नहीं यार, उसने तो आधी पॉपुलेशन खत्म करके सबको बचा लिया। तो हाँ, कुल मिलाकर बात यह है कि आरडीजे मार्वल में वापस आ रहे हैं, लेकिन मार्वल आरडीजे को दिखाता कैसे है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आरडीजे को एज अ विलन एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो सिर्फ आरडीजे को मार्वल में एक बार फिर से देखना है, चाहे वो विलन हो या हीरो। वैसे भी हीरो से ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा तो विलन का ही होता है। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। और मुझे